राणा सांगा के नाम से मशहूर संग्राम सिंह सिसोदिया वंश के एक राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में गुहिलों से पारंपरिक क्षेत्र मेवाड़ पर शासन किया। हालांकि उनके सक्षम शासन के माध्यम से उनका राज्य 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्ति में से एक में बदल गया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, उत्तरी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को नियंत्रण किया। उनकी राजधानी चित्तौड़ में स्थित थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटी वीडियो की सीरीज़ है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करें। आप इस चैनल पर UPSC रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस UPSC एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200-681-675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। सांगा का जन्म सिसोदिया राजा राणा रायमल और रानी रतन कुंवर के घर हुआ था। रायमल के चार पुत्रों में सांगा सबसे छोटे थे। हालांकि परिस्थितियों के कारण और अपने भाइयों के साथ एक भयंकर संघर्ष के बाद जिसमें उन्होंने अपनी एक आंख खो दी थी, वह अंततः 1508 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा। मालवा सुल्तान के एक विद्रोही मंत्री मेदिनी राय महमूद के खिलाफ मालवा के सिंहासन के लिए जीवन और मृत्यु संघर्ष कर रहे थे। उन्हें राणा सांगा द्वारा सहायता का वादा किया गया था। परिणाम स्वरूप गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेना गागरोन में सांगा के नेतृत्व में सिसोदिया से मिली। लड़ाई के परिणाम स्वरूप मुस्लिम सेना का पूर्व मार्ग और राजपूतों की निर्णायक जीत हुई। युद्ध और अन्य झड़पों में जीत के बाद सांगा ने चंदेरी के साथ मालवा पर विजय प्राप्त की। राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया और मालवा का राजा बना, जबकि सिल्हादित्य तोमार ने खुद को रायसेन और संग्रामपुर क्षेत्र में मास्टर के रूप में स्थापित किया। मालवा में हिंदू शासन की जीत और बहाली के बाद सांगा ने राय को क्षेत्र के हिंदुओं से जजिया कर हटाने का आदेश दिया। वॉर अगेंस्ट लोधीज। मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद सांगा ने अपना ध्यान पूर्वोत्तर राजस्थान की ओर लगाया, जो उस समय खिलजी के सहयोगी दिल्ली के इब्राहिम लोधी के नियंत्रण में था। इब्राहिम लोधी ने अपने क्षेत्र पर सांगा द्वारा अतिक्रमण की खबर सुनने के बाद एक सेना तैयार की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ चढ़ाई की। राणा अपनी सेना के साथ हादोती की सीमाओं पर खतौली में लोधी से मिले और खतौली में आगामी लड़ाई में लोधी सेना को गंभीर नुकसान हुआ और भाग गया। एक लोधी राजकुमार को पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। इस युद्ध में तलवार कटने से सांगा का एक हाथ छूट गया और एक बाण से उसे आजीवन लंगड़ा बना दिया। कथित तौर पर इस राजपूत आक्रमण से स्तब्ध लोधी 1518 से 19 में एक बार फिर मेवाड़ के खिलाफ चले गए, लेकिन धौलपुर की लड़ाई में फिर से हार गए। लोधी ने बार बार सांगा से लड़ाई लड़ी, केवल हर बार पराजित होने के लिए। वर्तमान राजस्थान में अपनी पूरी जमीन खो दी, जबकि सांगा का प्रभाव आगरा में पीलिया खार की हड़ताली दूर तक बढ़ा। वॉर अगेंस्ट मुगल्स। 21 अप्रैल 1526 को तैमूर राजा बाबर ने पांचवी बार भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर उसे मार डाला। युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार सांगा ने कई राजपूत कुलों को एकजुट किया, 1,00,000 राजपूत से सैनिकों की एक सेना बनाई और आगरा के लिए आगे बढ़ा। मुगलों ने बयाना किले पर कब्जा कर लिया, जो कि सांगा के साम्राज्य का हिस्सा था। इसलिए फरवरी 1527 में बयाना में एक बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें चीन तैमूर खान के नेतृत्व में बाबर की मुगल सेना को पृथ्वीराज कछवाहा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना और बाद में राणा सांगा ने हराया। हार राणा सांगा की सफलता के परिणाम स्वरूप अंतिम थी, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों ने राजपूत अनादर
से नाराज होकर बाबर को काबुल छोड़ने की धमकी दी। हालांकि बाबर ने पहली बार एक बड़ी हिंदू सेना का सामना करते हुए राजपूतों के खिलाफ लड़ाई को जिहाद के रूप में घोषित करके धार्मिक बहादुरी का इस्तेमाल किया। काफिरों ने आगे चलकर शराब को त्याग कर, शराब के बर्तनों को छोड़कर और एक कुएं में शराब डालकर ईश्वरीय कृपा मांगी। 16 मार्च को खानवा में लड़े गए युद्ध को सुनिश्चित करने में मुगलों को अपनी तोपों, माचिस और अन्य शस्त्रों के कारण विजय घोषित किया। युद्ध के बीच में सांगा को एक तीर से मारा गया था और अंबर में उनके बहनोई पृथ्वीराज कछवाहा ने राजकुमार मालदेव राठौर के साथ अचेत अवस्था में युद्ध से हटा दिया था। डेथ मारवाड़ के पृथ्वीराज प्रथम कछवाहा और मालदेव राठौर ने सांगा को अचेत अवस्था में युद्ध के मैदान पर दूर ले गया था। होश में आने के बाद उसने चित्तौड़ नहीं लौटने की शपथ ली, जब तक कि उसने बाबर को हराकर दिल्ली को जीत नहीं लिया। उन्होंने पगड़ी पहनना भी बंद कर दिया और सिर पर कपड़ा लपेट लिया करते थे। जब वह बाबर के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें अपने ही रईसों द्वारा जहर दिया गया था, जो बाबर के साथ एक और संघर्ष नहीं करना चाहते थे। जनवरी 1528 को कालापी में उनकी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय ने उनका उत्तराधिकारी बन गया। तो ये थी राणा सांगा जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।